नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में फल समेत 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस दौरान मार्केट में हड़कंप मच गया। बता दें कि फल दुकान में लेटा एक युवक भी गंभीर रूप से झुलसा है। आग से लगभग 6 लाख की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआं इलाके का बताया गया है। गोलू कैसी दुकान है और कैसे चली? मोटरसाइकिल की दुकान है। अब पता नहीं रात में कैसे का हुआ, रात में 3:30-4 बजे गए, आग लग गई। एकदम जब जानकारी हुई तब आए। कितने क्या नुकसान हो गया? नुकसान तो हो गया काफ़ी। उसमें सब आयल साइल रखा था बाहर काउंटर में, साला पूरा काउंटर ही जल गया। अंदर दुकान में भी आग पहुँच गई। अब नुकसान यही मान चलो आप 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है आपकी दुकान। हाँ, ऊपर टट्टर पन्नी था वो सब जल गया। विकास फल की दुकान है। रात में पता नहीं कैसे जल गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। लग समथिंग में 3 और 4 के बीच में आग लगी है इसमें। ठीक, और कल भी माल लाए थे मंडी से, उसमें समथिंग में ऐसे 1-1.5 लाख का वो माल था और स्टॉक लगा था लमसम में 1.5-2 का, और नकदी भी जला है। समथिंग में 5-5.5 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। हाँ, आप भी झुलस गए? हम भी झुलस गए उसके कारण। तो आग के कैसे लगी ये नहीं पता चला? ये नहीं पता चल रहा कैसे लगी है। कब कहाँ का मामला है? गोलकुआं त्रिवा रोड। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।